मेवात जिले की पुन्हाना पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। पुन्हाना पुलिस के पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मामला गत 25 अगस्त का था। सद्दाम हुसैन पुत्र अब्दुल मजीद निवासी गुबराली हालाबाद पुन्हाना तहसील पुन्हाना ने बताया कि वह उबर में अपनी गाड़ी चलाता है। दिनांक 25 अगस्त को अपनी गाड़ी से पुन्हाना अपने घर आ रहा था, जब करीब रात के 10 बजे पुन्हाना में कुर्सीदगी होटल के पास रुका तो जैसे ही उसने अपनी गाड़ी को साइड में किया तो तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आई जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR 6897 है, जिसको जगदीश नाम का चालक चला रहा था। तो इस दौरान पीड़ित सद्दाम हुसैन ने बताया कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी कुर्सीद होटल के पास रुकी तो वो लोग मेरे साथ गंदी गंदी गालियां देने लगे और मुझसे काफी अपशब्द कहे। तभी जगदीश नाम का चालक गाड़ी से बाहर आया, मेरे से हाथापाई की तथा मेरी जेब में रखे 10,000 रुपए छीन लिए। पीड़ित सद्दाम ने इसकी शिकायत मेवात पुलिस कप्तान नाजनीन भसीम को देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो सद्दाम, आपके साथ ये कितने तारीख की जो घटना घटी है, पुलिस कर्मियों ने आपके साथ बदसलूकी की है और इस तरीके के आपने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए हैं, कब की घटना है ये? जी 25 तारीख को मैं घर आ रहा था गुड़गांव से और ये रात को 10-11 बजे का वाकया है। और मैं रास्ते में एक कुर्सीद होटल पड़ती है, मैं वहाँ पे खाना खाने के लिए रुका था। मैंने एक साइड में गाड़ी को लगाया था वहाँ, तो गाड़ी को लगाने के बाद वहाँ सामने से PCR आ रही थी। PCR आने के बाद मैं गाड़ी से उतरा ही था, जैसे मैं साइड को गया तो PCR में ऐसे जैसे वो PCR वाले वहाँ आए गाड़ी के पास तो उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। साले, बहनचोद, मादरचोद, छोरी चोद, पाकिस्तान बना रहा है इसको छोरी चोद, गाड़ी साइड में नहीं लगाता मादरचोद। उन्होंने बहुत बदतमीजी से पेश आए वो पुलिस वाले। मैंने फिर उनसे कहा कि सर आप बहन की गाली क्यों दे रहे हो? फिर उन्होंने कहा छोरी चोद, कटल्ले, और उन्होंने कुल मिलाकर बहुत बदतमीजी से पेश आए वो। बाकी फिर होटल वाले थे वहाँ और भी एक आध 20-30 आदमी मौजूद थे वहाँ पे, आप किसी से भी पता कर सकते हो वहाँ होटल पे जाके, नहीं सबको पता है। इन्होंने बहुत गलत लफ्ज कहे कि पाकिस्तान बना रहा है इसको। करीब कितने बजे का टाइम था, कितनी तारीख? ये 25 तारीख को रात 11 बजे के करीब का मामला है। नहीं, हो सकता है पुलिस अपनी नाइट डोमिनेशन में हो 11 बजे और वहां पे 11 बजे जब वो PCR घूम रही थी तो तब वो गाड़ी से उतर के आए थे, तो उन्होंने जब मैंने उनसे कहा कि आप सर बहन की गाली तो मत दो, वो गाड़ी से उतर के आए। उतरने के बाद उन्होंने मेरा खिड़की से हाथ पकड़ के खींचा, हाथ मोड़ दिया और फिर उन्होंने 2-3 रैप्टा दिए मेरे, खूब गाली गलौच की उन्होंने। बाकी मेरी शर्ट की जेब में 2-2 हजार रुपये के 5 नोट थे, 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये ले लिए, मेरे दोनों मोबाइल छीन लिए उन्होंने। और उसके बाद मोबाइल तो उन्होंने मुझे वापसी लौटा दिए, लेकिन जब मैंने पैसों के लिए बोला सर मेरा पैसा तो दे दो, उन्होंने कहा कि कौन से पैसा, छोरी चोद, भागता नहीं यहाँ से छोरी चोद। बहुत इसकी शिकायत कहीं पे आपने दी है? हाँ जी, मैं एसपी के पास गया हूँ। मैं 27 तारीख को, 26 तारीख को रक्षाबंधन था और 27 तारीख को मैं एसपी के पेश हुआ हूँ। एसपी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि मैं इसमें कार्रवाई करूँगी, लेकिन अभी आज 29-30 तारीख होगी, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आगे आप यानी कि मेवात पुलिस से क्या मांग चाहते हो? मैं मांग ये चाहता हूँ जी, यहाँ ये पुलिस इतनी बेकार हो चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा, ये पता नहीं बोधी बोधी इस बात पे जातिवाद पे आ जाते हैं। अब इसमें अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर रेवाड़ी रेंज IG को फिर मैं और आगे जाता हूँ, कोर्ट इस्तेमाल करता हूँ, फिर कोर्ट में जाऊँगा यहाँ से आगे। मैडम ने आपको पूरा भरोसा दिया है? हाँ, मैडम ने पूरा भरोसा दिया था मुझे, लेकिन अभी तक 3-4 दिन हो गए, मुझे अभी कोई जवाब नहीं मिला। क्या नाम है जी आपका? मजीद है। मजीद गांव कौन सा है? गांव गुबराड़ी है। हालाबाद आप पुन्हाना में रह रहे हो? हाँ, रहते हैं। तो आपका लड़का यानी कि गाड़ी चलाता है, कहाँ पे चलाता है? गुड़गांव। कैब चलाता है गुड़गांव? हाँ। तो ये जो ये घटना घटी है आपके लड़के के संग में, क्या मामला था ये पूरा? मामला ये था जी, ये लड़का गुड़गांव में सवार है, उस दिन रक्षाबंधन की छुट्टी, ये घर को चलो आया वो हफ्ता में आने पे, यानी तो मेरे एक छोटा लड़का आने वाले फोन कर दियो रोटी सब्जी ले आयो, होटल पर गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी, एक गाड़ी खड़ी वहाँ,
तो याने तो गाड़ी पर सूत्रो है तो होटल खाने लोग ना गए झट पुलिस जीप से आकर गाड़ी गुप्तार थप्पड़ तमाए चेर छोरी जोत मुल्लाओ तुमने पाकिस्तान बना रखा है इसको, मतलब यहाँ वह शब्द उल्टे उल्टे शब्द इस्तेमाल करे जो ड्राइवर है जगदीश नाम। तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे दी है? हाँ दी जी, एसपी से मिले, एसपी को मेरे लड़का ने शिकायत दी है, एसपी ने पूरा पूरा आश्वासन दियो कि आपके लिए न्याय मिलेगा और उसने तुरंत वो दरखास्त अपना रीडर बुला के वालुद्दीन एक शमसुद्दीन है उसकी ड्यूटी लगाई, अब तक कोई उसमें एक्शन ना लिया। करीब कितने दिन हो गए? यू 25 तारीख की बात है जी, 25 तारीख की रात की घटना है, 26 में रक्षाबंधन की छुट्टी, 27 में हम एसपी से मिले। तो एसपी ने कार्रवाई का पूर्ण आश्वासन दिया जी, उसी तुरंत जब ही उसने बुलाए। आगे आप मेवात पुलिस प्रशासन से क्या मांग चाहते हो? हम यह चाहते हैं जी, हमने न्याय मिलना चाहिए, हम कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ।